हेलो एवरीवन आज हम हरिवंश राय जी की कविता लेकर के चल रहे हैं और आज इसमें हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं तो कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कर रही है कभी तक इसके बात कर रही है कि जग जीवन का भार लेकर के वह घूम रहे हैं और दूसरी और मैं कभी नाचक का ध्यान किया करता हूँ विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत में दिखाई दे रहे हैं संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है इसका एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का उसके कर्तव्यों का उसको एहसास है सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा है और संसार के प्रति अपने दायित्व को भी वह समझता है, है। संसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता है बल्कि वह संसार की जो चिंताएं हैं उसकी जो जितनी भी चिंताएं संसार की वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं उनके प्रति वह सजग भी है वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है और अपने कर्तव्य की पूर्ति हमेशा करता रहता है और कर्तव्य की पूर्ति करने के कारण ही दोनों चीज़ों में उसे विरोधाभास लिखा हुआ है दिखाई देता है कि एक तरफ तो संसार में भी घूमता है और कभी संसार का ध्यान भी वह नहीं करता है अब देखो सेकंड प्रश्न हमारा आ रहा है जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं कवि ने ऐसा क्यों कहा जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासिता और उपभोग के साधन होते हैं वहीं लोग रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि विलासिता में रहते हैं तो मनुष्य सांसारिक जाल में उलझ करके जीवन भर भटकता रहता है कैसे भटकता रहता है जीवन भर वो भटकता रहता है और अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है जो उसका मेन मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि संसार से मुक्ति पाना लेकिन उसको वह भूल जाता है कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है किस पर कि हमें अपने जीवन का अच्छा उपयोग करना चाहिए सदुपयोग करना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक हो जाए हमारा जीवन कैसा हो जाए सार्थक हमारा जीवन हो जाए हम अपने जीवन को अर्थ सहित जिये और अंतिम उद्देश्य क्या है मुक्ति पाना है तो हम मुक्ति भी पा लें अपने जीवन से जो संसार का हमारा जीवन है उन वस्तुओं से लास्ट में जीवन के अंत में हम अपनी मुक्ति प्राप्त कर लें जिसे मोक्ष भी कहा जाता है साहित्यिक भाषा में इसे मोक्ष कहा जाता है उसके बाद यहाँ देखो ये वाला प्रश्न आता है प्रश्न क्या है कि मैं और जग मैं और, और जग मैं और और जग और कहाँ का नाता इसमें पंक्ति और शब्द की विशेषता हमें बतानी है पंक्ति और शब्द की विशेषता बताने के लिए और शब्द का यहाँ पर देखो तीन बार प्रयोग हुआ है और शब्द का कितनी बार प्रयोग यहाँ पर हुआ है तीन बार प्रयोग हुआ है और इसमें हम देखते हैं कि यमक अलंकार है यानी कि रिपीटिशन है तो यमक अलंकार है इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है पहले आर में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है दूसरे ओर के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताता है तीसरे ओर के प्रयोग में संसार और कवि में किसी तरह के बंधन को नहीं दर्शाने के लिए कहा गया है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है तो कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है यहां देखो इसका आशय यह है कि कवि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश आत्मविश्वास साहस दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सकें और उनकी शीतल आवाज में विद्रोह की आवाज छुपी हुई है विद्रोह की आग छुपी हुई है पूरी कविता जो है विरोधाभासी चीजों से युक्त है यह था आज का हमारे प्रश्नोत्तर